गुड मॉर्निंग एवरी वन, विशिंग यू अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस। तो आज है 25th ऑफ दिसंबर और सुबह सुबह लड्डू जी का करवा रही हूँ मैं स्नान, और यहाँ पे ये कृषा लगी हुई है साथ में लड्डू जी को नहलाने। तो अब वैसे ना आज ना अच्छी खासी धूप निकली हुई थी बाहर सुबह सुबह, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर बरांडे में ही इनका स्नान करवाया जाए। और यहाँ पे अंदर बन रहे हैं स्पेशल क्रिसमस स्पेशल पनीर के परांठे। जस्ट किडिंग, मतलब क्रिसमस स्पेशल नहीं बन रहे, ऐसे ही मेरा मन किया तो मम्मी ने बना दिए पनीर के परांठे। और तो मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा यमी। तो मेरा ना काफ़ी दिन से मन था कि मेरे को ना मम्मी पनीर के पराठे खाने हैं, तो मम्मी ने फिर बना दिए कि लेके आना पनीर, और उन्होंने बना दिया। वैसे ना वैसे मोस्टली हम लोग घर का भी पनीर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बाहर का लेके आई थी। तो ये परौठे मम्मी बना रहे हैं चूल्हे के ऊपर, क्योंकि ना पापा बीच में तंदूरी भी परौठे खाते हैं, मतलब कि घी नहीं लगाते और चूल्हे के साइडों पे मतलब कि चिपका के, तो जैसे तंदूर टाइप होते हैं ना परौठे, तो उस तरह के परौठे मतलब कि खाते हैं, पापा पसंद करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर, लड्डू जी को करवाते हैं रेडी क्रिसमस के लिए। और ये मैंने ड्रेस बनाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए कैप से, जो सेंटा कैप होती है उससे, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सबसे पहले अपर, ये एक स्ट्रिप है जिसको मैंने एज अ अपर यूज़ किया, और उसके बाद ये मैंने जो कैप का सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसको कट करके उसमें धागा मतलब कि डाल के सुई के साथ, तो ये लड्डू की नीचे की फ्रॉक बनाई है। क्योंकि मेरे को ना लड्डू गोपाल जी की क्रिसमस ड्रेस नहीं मिलती है यहाँ पे हिमाचल में, ना बहुत कम फैंसी ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी की मिलती हैं। और ये जो कैप है, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो कैप का होता है ना त्रिकोणा सा, उसको छोटा सा काट के हल्का सा उसको टाइट किया मैंने। और ये साथ में एक स्ट्रिप थी जिसको मैंने एज इट ही रखा है, ये फेल्ट का शायद कपड़ा है तो इस तरह ईजिली चिपक जाता है। तो ये आप देख सकते हैं लड्डू जी हो गए हैं मेरे रेडी। तो अभी हम इनको बनाएंगे सेंटा कॉटन के साथ, इनका करेंगे श्रृंगार। तो रेड कलर का लगाऊंगी मैं आई शेडो, और साथ में इस तरह से जो कॉटन होता है उसको हल्का सा ऐसे उंगलियों के साथ मसल के ब्रीक करके उनका मूछे बनाएंगे। और नीचे की दाढ़ी के लिए एक कॉटन लेके उसको त्रिकोण शेप में सेट करना है उसको। तो ये आप देख सकते हैं सेंटा जी हो गए हैं रेडी, खनकू सेंटा, सेंटा खनकू। पहले मैं बड़ा वाला क्रिसमस ट्री सेट करूंगी, उसके बाद इनका ट्री सजाऊंगी, क्योंकि कृषा हाथ उठ मार के उड़ा देगी इनका ट्री, आई नो। मैंने कर दिया है, तो अभी हम करेंगे बड़े वाला ट्री का डेकोरेशन। तो ये मैंने अपना प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर किया था, अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। और मैंने भी अभी तक देखा नहीं है इसका हाइट कितना क्या आएगा, वैसे तो 5 फीट का मैं लेके आई हूँ, तो अभी देखते हैं इसको खोल के इंस्टॉल करके कितना मेरे कितना तक पहुँचता है। बड़े अच्छे से वैसे पैकिंग करके दिया था ये मेरे को, 750 का पड़ा था। तो मैं यहाँ पे लगाने का सोच रही हूँ इस कॉर्नर पे, क्योंकि ये अलमीरा बहुत कम खुलती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगी इसके पीछे, क्योंकि ना प्लग भी है जो मतलब कि फेरी लाइट लगाऊंगी तो उसके लिए यहाँ पे स्विच भी मिल जाएगा मेरे को। तो ये इसके जो मतलब कि इसको टिकाने के लिए स्टैंड को वो दिए हुए हैं इसके। काफी हाइट है इसकी। तो ये ट्री आप देख सकते हैं इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक नीचे वाला जो बेस है वो, और उसमें एक होल दिया हुआ है जिसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सेट करेंगे हम लोग। तो ये मेरे को ना काफ़ी अच्छा लगा, ये काफ़ी घना भी है और इसका जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है। और ये आप देख सकते हैं ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और ये जो नीचे बेसमेंट में दिए हुए ना इसमें लोहे के लगे हुए हैं, मतलब कि जो पत्ते वगैरह ना काफ़ी मतलब काफ़ी स्टडी है। उसके बाद अभी हम मैंने ये पूरा इंस्टॉल कर दिया आप देख सकते हैं, और उसके बाद अभी हम लगाएंगे लाइट्स। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट और रेड कलर की फेरी लाइट यूज़ करी है, और बाकी जो मैं डेकोरेशन का सामान लेके आई थी वो भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, सेंटास हैं और बेल्स हैं और जो बॉल वाली बेल्स होती हैं वो हैं। तो इन सभी का अगर आप मतलब कि कॉस्ट वगैरह जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगी। तो ये सारा मैंने अपने शॉपिंग की वीडियो में डाले हुए हैं। तो उसके बाद ये लास्ट ये मैं लेके आई थी स्टार सबसे ऊपर लगाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मेरा जो क्रिसमस ट्री है सेट हो गया है, और अभी हम लड्डू का जो क्रिसमस ट्री लेके आए हैं उसको सेट करेंगे। तो लड्डू जी मेरे रेडी होके बैठ गए हैं, खनकू जी, तो चलिए उनका ट्री भी सेट कर देते हैं।
तो ये एक छोटा ट्री मैं लेके आई थी और ये एक अलग से लड्डू गोपाल जी के लिए ये डेकोरेशन का लेके आई थी, ट्री डेकोरेशन के लिए। तो ये इसके ट्री के नीचे के बेस पे लगाने के लिए है। और ये आप जो साइडों पे देख रहे हैं, ये मैंने ना जो ट्री हैं लास्ट टाइम बनाए थे, मतलब लास्ट क्रिसमस पे लड्डू गोपाल जी की, उस पर बनाए थे कागज़ के साथ, तो वो भी मेरे को मिल गए, तो मैंने ये साइडों पर रख दिए हैं। पीछे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। और उसके बाद ये मैंने अभी इसका जो बेस है वो लगा रही हूँ। तो ये ट्री बनाना बहुत ही आसान है, इस तरह से ये फोल्ड करके आपको देते हैं। इसके सिर्फ जो साइड्स, जो ये पत्ते वगैरह हैं, उनको सिर्फ खींचना होता है बाहर की तरफ को। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली ये आप कोई भी इसको बना सकता है। जो सबसे ऊपर होता है उसको जस्ट ऐसे ही रहने दे रहे हैं, सीधा ऊपर की तरफ को ही। तो ये जो बाकी पत्ते हैं उनको सिर्फ साइडों की तरफ को निकालना होता है। तो ये ऑलरेडी हो गया है सेट, और अभी इसके बाद हम लोग जो लटरम पटरम जो भी डेकोरेशन का होता है, बेल्स वगैरह, वो लगाएंगे। देखो कुकत्री, वाह, अरे वाह, अरे वाह, हाँ थक गया मैं, थक गया मैं, वाह, बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स। तो ये पीछे का भी म्यूज़िक आप इन्जॉय कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक। ये मेरी यहाँ पे एक भाभी है, उनकी बेटी आई हुई है। मेरे को जब भी यूट्यूब के लिए कुछ करना होता है, काम करना होता है, तो मैं उसको बुला लेती हूँ। ये थोड़ा सा कृषा को संभाल लेती है, और उसके बाद मैं मतलब कि आराम से कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर वो ना हो तो ये कृषा सारा ही उड़ा के फेंक देगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।